नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज अयोध्या में और दूसरा दिन है मेरा। और आज मेरा जो सफ़र होने वाला है वो है हनुमान गढ़ी का। तो भाई इसके बारे में भी बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, तो आपको बताएंगे आज हनुमान गढ़ी के बारे में। बाकी अभी यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ है 1 किलोमीटर दूर, तो चलते अभी यहाँ से अयोध्या के हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी से बहुत बढ़िया होने वाला है आज का सफ़र। तो दोस्तों जैसे कि भाई वेडनेसडे को ना 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालु का यहाँ पे आगमन हुआ था, मतलब आए थे यहाँ पे और दर्शन करे थे। तो आज का जो होने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अभी जाएंगे हनुमान गढ़ी, और यहाँ के जो प्राचीन काल से जो मूर्तियाँ हैं और जो मंदिरें हैं बहुत पुरानी पुरानी, तो वो आपको दिखाएंगे इसी चैनल के माध्यम से अपने गौतम रावत से। और पूरे देश भर से भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि भाई छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, असम हो गया, तो ऑल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे नित्य दिव्य दर्शन देखो भाई, ये जो है ना, ये गेट इतने पुराने, ये बहुत साल पुराने गेट है। जय श्री राम। तो दोस्तों देखो भाई, हमारे भाई लोग आ रखे थे साइकिल से। भाई हम भी ऐसे साइकिलिंग यात्रा करते हैं। और आप कहाँ से हो? मैं पश्चिम बंगाल से, राज्य है पश्चिम बंगाल और जिला है उत्तर दिनाजपुर। अच्छा, और आप? मैं आसाम। आसाम से। तो जैसे कि आपको मैंने दोस्तों बोला था कि आसाम से भी आते हैं, पहले मेरा दोस्त नितिन आया था, नितिन को जानते हो आप, नितिन ब्लॉग्स को, तो मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, आपको पता ही होगा। तो ये देखो भाई, भाई के चैनल क्या नाम से आपका? प्रकाश दास। और आपका? मेरा एडिस ब्लॉग करके है, फुल पावर 27। एडिस ब्लॉग देखो भाई, बड़ा प्यारा बना रखा। और साइकिल कौन सी है आपकी? वाओ, क्रेडियक है। वाओ यार, मज़ा आ गया। वैसे मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, और उत्तराखंड जल्दी आना भाई, मैं आपके साथ साइकिल करूँगा पक्का। ठीक है ठीक है। पिछली बार मैं आसाम से 3 लोग और आए थे, 3 लोग थे, तो मैंने 4 धाम यात्रा कर दी उनके साथ। और अभी घर को? फिलहाल घर को। तो दोस्तों अभी साइकिल चलाते हैं भाई की, आदिश भाई की। लो भाई एक बार चलाते हैं। जय श्री राम। वाह, ऐसे ही एक्सपीरियंस रहता है हमारी साइकिल को भी। थैंक यू भाई, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा चल रहा है साइकिल वैसे, लेकिन आपने ना बहुत ज़्यादा सामान कैरी करा है। हाँ, मेरा वेट ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं जा ही रहा था मैं हनुमानगढ़ की तरफ को, ये गेट बंद लगा हुआ देखा मैंने, और अंदर देखा तो इतना भव्य मंदिर है यहाँ पे। जो नॉर्मल मंदिर आजकल के बन रहे हैं, ये कम से कम बहुत साल पुराना मंदिर लगा। तो अंदर जाते जाते मैंने एक शिवलिंग भी देखा, तो दोस्तों देख सकते होंगे कितना पुराना शिवलिंग हो सकता है ये, और हर हर महादेव। तो ये शिवलिंग को ना ज़रूर, ये जो मंदिर है ना, दोबारा बनने चाहिए। और आप क्या चाहते हो, दोबारा बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, तो लिख दीजिए कमेंट में भाई। जय श्री राम। और हर भारत के ना हर मंदिरों को ना भाई अच्छे से निर्माण करना है, और हर मंदिर में ना एक अखंड ज्योति और एक ज्योति जलानी है, जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा बरकरार रहे ऐसे ही। और जय श्री राम लिख दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी यार, अभी 1 किलोमीटर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी मंदिर पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से एक मंदिर दिख रहा है, लेकिन वो मंदिर है कौन सा वो आपको वहीं जाके बताऊंगा। हनुमानगढ़ी के सामने का मंदिर है। अच्छा सर, आप यहीं के हो? आप यूपी पुलिस वाले हो ना, तो आप कहाँ से आए हो सर? मथुरा से। तो गाइस मथुरा से आए हैं, तो वहाँ पर भी जाना है, अभी मथुरा भी जाएंगे। बाकी आप कितने दिन से यहाँ पे? 18। दोस्तों देख रहे हो ना भाई, पूरी यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में से सारे तो दोस्तों मंदिर स्थान में
है मंदिर के रास्ते में ना भाई ऐसे कुछ ना भंडारे कम से कम 10-15 लगे हुए हैं। तो अभी मैं ये खाता हूँ, फिर उसके बाद भाई हनुमान धाम जाता हूँ, हनुमान गढ़ी जाता हूँ, यहीं से रास्ता पड़ता है। तो चले इसको खाने के बाद मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो अब मिल गया है पूड़ी आलू का झोल, अब इसको खाते हैं। भाई जल्दी से आ जाओ भाई अयोध्या के दर्शन करने के लिए, कोई खर्चा नहीं है यहाँ पे भाई, कोई खर्चा नहीं। चल तो दोस्तों देख रहे हो ना SSB की फौज यहाँ पे तैनात है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों अभी भाई जा रहा हूँ मैं मंदिर के अंदर और यहाँ से ले रहा हूँ मैं प्रसाद, और यही प्रसाद मैं घर में अपने पड़ोसियों को बांटूँगा। मंदिर में जाने से पहले यहीं पे जूते उतार रहे हैं हम। जय श्री राम भाई। क्या बोला तूने, पैसे नहीं लेते ना? अभी मैं खुले भी नहीं। चलो ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। जय श्री राम। कितना देखो, कुछ खिला दूंगा लेकिन पैसा अभी दे नहीं पाऊंगा। बहुत सही, अच्छी बात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ खाएगा बता? कुछ नहीं खाएगा भाई। तुम मिलना मेरे को यहीं पे, इसी जगह में घूमते हुए मैं, हाँ यहीं पे मिल जाना मेरे को, ठीक है? ठीक। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई बच्चे ने बोला कि पैसा नहीं लेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हनुमान गढ़ी के अंदर। और आपको एक चीज़ बता दूँ तो यहाँ की जो सीढ़ियाँ है ना पूरी की पूरी, वो है 76 सीढ़ियाँ, तो यहाँ से चढ़नी पड़ेगी। अब चलते हैं इसके अंदर, और भीड़ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम भीड़ है, तो चलते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। कहते हो अरे जय श्री राम। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी मैं हनुमानगढ़ी के अंदर था, और अभी हमारे साथ एक बाबा जी है जो कि बहुत पुराने यहाँ पे पूजा पाठ में रहे हैं शुरुआत से, तो 35 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे। तो बाबा जी नमस्कार, पैरिमाना। तो ये बताइए आप पहले कि ये हनुमान जी का जो मंदिर था निर्माण कब हुआ था? यही वाला मंदिर बहुत वर्षों के बाद हजारों साल पुराना। जी जी, निर्माण करवाया था जी। आजकल ही बहुत पुराना मंदिर है, हनुमान जी को राम जी ने राजा बना करके यहाँ पर अपने धाम गए हैं। हाँ जी, राम जी अन्य मंदिरों में देखेंगे आप तो हनुमान जी राम जी के चरणों के पास नहीं रहते हैं। जी जी, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी आगे बैठे हैं और राम जी का पूरा दरबार पीछे है। हाँ जी, हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ जी। और उस समय का था, तो अभी यहाँ पे जो मंदिर है ये, इस मंदिर में पूजा ये तो लगातार चलते आ रही है, तो इस मंदिर में भी कोई कार्य हुआ है यहाँ पे अभी? बिल्कुल हो रहा है, पीछे की तरफ में चौड़ीकरण हो रहा है यात्रियों के लिए सुविधा ज़्यादा। अभी मंदिर जो कि सकरा है इसको और बृहद बनाने के लिए चौड़ीकरण का कार्य जोर शोर से हो रहा है। तो आप अयोध्या वासी हो?
हमारा जन्मभूमि अयोध्या ही है, हम अयोध्या में ही पैदा हुए। अच्छा, आप अयोध्या में पैदा हुए। और ये बताइए आप, ये जो बीच में अभी बहुत सारी कहानियां है, राम मंदिर घूम लिया मैंने और हनुमानगढ़ी भी आज आ ही गया दर्शन लेने के लिए, और कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए? बहुत सी जगह है, सरयू जी दर्शन करिए। हाँ जी, सरयू जी का दर्शन करिए, बड़ा स्थान है। हाँ जी, राजा दशरथ जी का महल है। हाँ जी, कनक जी का कनक भवन है जो कि राम जी का ही है, कनक भवन है। कारसेवकपुरम दर्शन करिए, मणि पर्वत है, मणि पर्वत का इतिहास है कि राम जी की जब विवाह हुआ तो राजा जनक जी ने इतना दान दिया था कि खजाने में रखने की जगह नहीं थी। जी जी, उसको मड़ियाँ और हीरा जवाहरात को एक पर्वत नुमा, यहाँ पर आगे विद्या कुंड है, वहाँ पर मणियों का ढेर लगा, इसलिए वह जगह मणि पर्वत हो गई। अच्छा, मणि पर्वत का दर्शन करिए, सूर्य कुंड का दर्शन करिए, बहुत करीब अयोध्या में 63 कुंड हैं, उनका दर्शन करिए। हाँ। बहुत से कुंड हैं, बहुत से पौराणिक स्थल हैं, बहुत लगभग अगर आप दर्शन करना चाहेंगे तो लगभग एक हफ्ते तक आप दर्शन ही करते रहेंगे, इतनी जगह। तो दोस्तों, जैसे कि बोला जा रहा है कि पंडित जी बोल रहे हैं आगे कि आपको अयोध्या अगर घूमना है तो कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा ही लगेगा पूरी की पूरी जगह घूमने के लिए। तो जैसे कि राम मंदिर है, राम मंदिर पूरा यहीं पे इनका साम्राज्य था शुरुआत से, तो इनके जो भाई थे, तीन भाई और थे, तो उनके बारे में क्या है? तीन भाई भी अयोध्या में राज किए। हाँ। कुश को, इनके दोनों बेटे हैं थे, कुश की राजधानी दूसरी जगह हुई, लोग को राज किए, उसके बाद का किसी को पता थोड़ी है जी कब का क्या हुआ था, लेकिन राम जी बहुत बहुत वर्षों तक अयोध्या में राज किए। उसके बाद जब जाने लगे अपने धाम तो अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दिए, क्योंकि सीता जी ने जी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुणनिधि सुत होहू करो हूँ बहुत रघुनायक छोहू। माता सीता ने उनको अपना पुत्र माना था, अजर अमर गुणनिधि सुत होहू, सुत मतलब होता है पुत्र, और अजर और अमरता का वरदान दिए, यानी कि सब लोग तो चले गए लेकिन हनुमान जी आज भी कलयुग में विद्यमान है, जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी जा कर के विराजमान होते हैं और राम कथा सुनते हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, राम जी की कथा के रसिक हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी जा कर के मूर्त भाव में होकर के कथा को श्रवण करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, अभी अभी मेरे को ये मंदिर में जा रहा हूँ और लाइन में लगता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है मतलब यहाँ पे और कौन सी जगह दिखाने के लिए ये बता दीजिए आप इसी हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी में तो मेन हनुमान जी ही हैं, हनुमान जी है, चार मंदिर और बने हैं छोटे छोटे। जी जी, इसमें दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ। 125,000 शालिग्राम जी रखे हुए हैं, 125,000 शालिग्राम जी रखे हुए। हाँ। राम जी का भी मंदिर है। हाँ जी, और भरत जी का भी मंदिर है यहाँ पर। तो धन्यवाद धन्यवाद, यही मंदिर है, ठीक हो गए। तो दोस्तों, अभी दर्शन तो कर लिए, मतलब हमने पंडित जी के दर्शन कर लिए, समझ लो हनुमान जी की भी कर लिए, क्योंकि इतने सालों से पंडित जी यहाँ पे सेवा करते हुए आ रहे हैं और पूजा पाठ में है। तो अभी पंडित जी थोड़ा सा वो लगा दीजिए अपने हाथों से, भूत बबूत। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत कुछ आया है दिमाग में और बहुत कुछ पता चला है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी के साथ साथ भाई कम से कम चार मंदिर और है, और दिखाते हूँ मंदिर की जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है तो इतनी बहुत होगी शायद। वो ये अभी कौन सा खंभा? वो लगा हुआ है वो। अच्छा, ये ऊपर वाला? हाँ, ये सोने का है पूरा, किलाल वाला। हाँ हाँ, अच्छा, मर दिया गया है। अच्छा, मर दिया गया। अच्छा। तो दोस्तों, अभी हनुमानगढ़ी में था तो मैंने एक और चीज़ देखी। बताया जा रहा है ये जो खंभा है ना, वो पूरा सोने का है। ये वाला जो साइड है बस ये सोने का दिख रहा है, क्योंकि और चारों तरफ पेंट कर रखा है। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे हैं हनुमानगढ़ी में, तो पंडित जी मिल गए हैं। तो पंडित जी बताइए कुछ मंदिर के बारे में, बताइए यहाँ पे भव्य मंदिर के बारे में। जो हनुमान जी मंदिर राम जी के समय का है। हाँ, हनुमानगढ़ी इसको बोलते हैं, और ये राम जी के समय का है, जिस समय दशरथ किला बगल से है, कनक भवन भी है, और ये हनुमानगढ़ी विशेष हनुमान जी राम जी के विशेष सेवक हैं जी, ऐसा पुराना मंदिर है द्वापर तिरका का ये जी मंदिर पाया जाता है जी। तो यहाँ पर हनुमान जी सेवा में विराजमान रहे ऊपर। हाँ जी। और उधर जो है
राम जी रहे जी, राम जन्मभूमि की दर्शन करके आ रहे हैं, तो वहाँ से 1 किलोमीटर का फासला है कम से कम जी जी। हनुमान जी यहाँ से उनके राम काज कीने बना जी, मोए कहाँ विश्राम जी, उनके राम की सेवा में हनुमान जी पर हमेश 24 घंटा रात दिन उनका राम नाम जप करते रहते हैं। हाँ, तो ये जो आप सामने एक पिलर दिख रहा है जी पंडित जी, ये कितने साल पुराना होगा? ये भी उन्हीं के समय का है। हाँ, इसको ये हनुमान जी है। हाँ, और ये वो क्या नाम से ये भी उनका देखो स्वर्गीय पूज्य श्री महाराज जी, वो देखो। हाँ जी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये कितना साल पुराना होगा? ये भी 500 वर्ष से ऊपर है। तो ये सोने का बना है पूरा का पूरा? पूरा सोने, पूरा सोने का। तो धन्यवाद पंडित जी। तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन कर लेते हैं थोड़े, ज़्यादा देर तक तो रुकने नहीं देंगे यहाँ पे। श्री गुरु चरण सरोज निजीवन मुकुर सुधारी बन रहो रघुवर बिमल जसो जो जाय फलचारी बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे हो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हो लोग सागर राम दूत अतुलित बलिदाम अंजनी पुत्र पवन चित्रनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडन कुंचित के। तो दोस्तों एक और भाई मिल चुका है साइकिल वाला, तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर निषाद हुआ। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। तो कितना किलोमीटर चला लिया है? 500 किलोमीटर। आज कहाँ कहाँ घूमने का इरादा है? आज कनक भवन, और कहाँ कनक भवन जाना है आज। अच्छा, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। आपको कितना दिन लगा पूरा का पूरा? पूरा 4 दिन लगा यहाँ आने में। अच्छा, 4 दिन लगा। तो जल्दी से कर लीजिए दर्शन आप भी, और जल्दी से लोगों को बोलो कि जल्दी से आ जाओ अयोध्या के दर्शन कर लीजिए, अयोध्या राम मंदिर के। हाँ, जरूर। अभी नहीं, मतलब 2-4 इस महीने के बाद ही आए, क्योंकि बहुत भीड़ चल रही है अभी मंदिर में। ये जो भीड़ है ना, मेरे को लगता है कि ये भीड़ बहुत कम है। हाँ, मतलब आने में ना आप आ सकते हो अभी, बाद में शायद मेरे को लग रहा है भीड़ ज़्यादा होगी। हाँ, मेरे को भीड़ ज़्यादा नहीं लग रही है अभी, नहीं लग रही। नहीं तो 22 को 23 को बहुत भीड़ थी। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन कम से कम ना 70% या 60% लोगों का दर्शन भी नहीं हुआ। तो चलो अभी ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर।